हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, सेम पैटर्न है जो लास्ट क्वेश्चन किया है। सबके पैटर्न सेम है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है और अपने पैटर्न को दिमाग में उतारना है। तो यहाँ मैं देखो, एक्स की वैल्यू -1 से छोटी भी है, इक्वल भी है, फिर ये भी है, फिर ये भी है। तो शुरू करते हैं। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज डिफाइंड। एक मिनट, थोड़ी सी राइटिंग है बिल्कुल बैठती नहीं है मेरी, तो पता नहीं क्यों उस पर। द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन। यहां मैंने क्या लेट किया, लेट सी बी एनी रियल नंबर, एक रियल नंबर माना, और मैं यहां से केस वन शुरू कर रहा हूं, जहां पे मैं इफ अगर मैं सी को लेस देन -1 मानू। मैं एक के सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ, किस पे कंटिन्यूस निकाल रहा हूँ कि कोई रियल नंबर है जो -1 से छोटी सारी वैल्यूज है उसकी, तो उसके ऊपर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, देखो एफ सी कितना निकल जाएगा, -2 निकलेगा नहीं निकलेगा, देखो सी से लेस देन में -2 आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब लिमिट फाइंड कर लेते हैं। टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एट सी लेस देन -1, सर लिमिट कितनी हो जाएगी मेरे पास, तो सर लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स टेंस टू। अब देखो एफ एक्स के अंदर क्या पुट करें अपन, एफ एक्स में अपन पुट कर देते हैं -2, -2 पुट करेंगे ना, बिल्कुल सर -2 पुट करेंगे। ये लो आपके पास, ये हो गया आपके पास -2, यहां तक समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। अब देखो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर इक्वल। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -2 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ कहेंगे अपन देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्या कहा मैंने, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर लेस देन -1, -1 से जो भी छोटे हैं उन सब के लिए। मैं कह देता हूं यहां पे हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स लेस देन -1। बताओ समझ में आ गया क्या, हाँ सर आ गया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो केस क्या बनेगा हमारा। केस टू बना रहे हैं इफ सी इक्वल्स टू -1। अब मैं -1 पे बना रहा हूँ, -1 बनाऊंगा तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, देखो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, थोड़ा सा फोकस करूंगे आप यहाँ पे, तो एफ सी, सॉरी एफ -1, एफ -1 इधर ध्यान दो, अगर इक्वल्स टू -1 है आपके पास वैल्यू तो आंसर आपका कितना आना है, सर आंसर तो मेरे पास -2 ही आना है। अब हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी इक्वल्स टू -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलेगी, ये निकलेगी लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। अब मैंने आपको बताया सर इसका मतलब क्या है, ये -1 जो है ना इसके ऊपर माइनस आएगा, एक्स टेंस टू -1 माइनस। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर -1 से छोटे की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, -2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू भी यही है, तो ये -2 आ गया। फॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी इक्वल्स टू -1 के लिए देखो क्या केस बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू -1 पॉजिटिव। क्या करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है जो प्रोसेस हमने किया है, ये जो एफ एक्स है ना, इस बार आप क्या फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे, जो एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है सर, 2x है, इतना हो जाना है ये 2 और ये -1, मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू -1 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल एक्स टेंस टू -1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू एफ की वैल्यू -1 इक्वल्स टू -2। बताओ समझ में आया क्या, बिल्कुल सर आ गया। ये लो, यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू आ गया है राइट हैंड लिमिट, इसमें कोई डाउट है सर, नहीं है, दोनों इक्वल आ गई, तो आप यहाँ क्या कह सकते हो, सर हम यहाँ कह सकते हैं देयर फोर
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू -1। -1 पे फंक्शन क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ गया? ठीक है सर, ये हमने एट पर भी निकाल दिया। अब तीसरे केस पर आओ, लाइन से चलते हैं अपन बिल्कुल, है ना। केस थ्री क्या बनेगा आपके पास? इफ, अब देखो इस बार मैं क्या कंडीशन, मैंने एट पे निकाल दी कंडीशन, अब मैं निकाल रहा हूँ इफ जो सी की कंडीशन है वो ऐसी है आपकी, कहाँ से? -1 से 1 के बीच में लाई करी जा रहा है ना, 1 नॉट इंक्लूड ले रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके बीच में आपके पास, तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास? सर फंक्शन की वैल्यू एफ सी इक्वल्स टू, इधर आओ, ये वैल्यू क्या है आपके पास? देखो ये आपके पास कौन सी वैल्यू है? सर ये वैल्यू हो गई है मेरे पास एफ सी, और अगर मैं इससे इसके बीच की वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो ये मेरे पास 2c हो जाएगी। ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 2c बिल्कुल हो जाएगी। अब लिमिट की बात करते हैं इसी पे। टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एट -1 से 1 के बीच में अगर लिमिट की बात करूं मैं, तो क्या बनेगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू सी फंक्शन, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी। अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? -2, ओनली 2x हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच में लाई करने फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 2x होती है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2c निकल कर आएगा, बिल्कुल सर आना ही है 2c। तो आंसर क्या हो गया? लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू 2c। अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल है तो आप क्या कह सकते हो? सर हम कह सकते हैं देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल। देखो ये किस इंटरवल में होगी आपको दिख रहा है? सर -1 से 1 के इंटरवल में होगी, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन -1 to 1 के बीच में। समझ में आ गया? हाँ सर, ये हो गया केस थ्री। अब देखो केस फोर पे आते हैं। केस फोर क्या बनेगा आपके पास? देखो इफ, अब मैं कौन सी कंडीशन लूँ भाई? अब ऑब्वियस सी बात है मुझे कंडीशन लेनी पड़ेगी इफ सी इक्वल्स टू 1 पर। देख रहे हो एक एक कंडीशन कैसे लाइन से चल रही है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चन में, बता रहा हूँ सबसे इजी एक्सरसाइज ये लगने वाली है आपको। द वैल्यू ऑफ एफ इस, अब देखो अगर मैं सी इक्वल्स टू 1 के ऊपर बात करूं तो वैल्यू ऑफ एफ कितना निकल कर आएगा आपके पास? सर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एफ निकल कर आने वाला है ना, वो निकल के आने वाला है एफ सी इक्वल्स टू 2c। सॉरी हमने तो सी की वैल्यू 1 मान ली है ना, 1 मान लो, 2 × 1 यानी कि 2 निकल कर आना है। क्यों निकल कर आना? देखो इस एट वाली कंडीशन जो है 1 है उसके ऊपर भी मेरा फंक्शन 2x ही होता है। अब मैं लिखा लूंगा इसकी लिमिट, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी इक्वल्स टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलेगी भैया? लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, 1 नेगेटिव। अब देखो ये एफ एक्स दिख रहा है, अब ये फंक्शन की वैल्यू कौन सी पुट करूं? नेगेटिव का मतलब तो हो गया 1 से छोटा। सर 1 से छोटी वाली वैल्यू देखो यही है, आगे क्या लिखा है आगे वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 1 से छोटी जो एक्स की वैल्यू है ना वो भी 2x ही है, तो फंक्शन 2x ही माना जाएगा। यहां 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 यानी कि 2 ही निकलेगा। फॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी इक्वल्स टू 1 पे मेरी जो राइट हैंड लिमिट है उसको देखो, 1 पॉजिटिव एफ एक्स, 1 पॉजिटिव। देखो जो वैल्यू 1 से बड़ी है एक्स की वैल्यू वो तो आपको पता है 2 ही दिख रही है यहाँ पे, ये वाला फंक्शन पुट करेंगे अब अपन तो निकल जाएगा 2। अब आपने नोटिस किया यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स के, ये इक्वल है एफ 1 के, और ये इक्वल है 2 के, सारे के सारे, तो ये सब आपस में इक्वल है। बिल्कुल सर। तो सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ कोइंसाइड विद राइट हैंड लिमिट, अगर वो राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड है तो हम यहाँ कह सकते हैं देयर फोर एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे मेरी जो कंडीशन क्या आ गई है भैया? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन के आ गई है। आगे समझ में बात? ठीक है सर, ये क्लियर हो गया एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। अब एक और केस बताए, एक और केस बनेगा भी, केस फिफ्थ। मान के चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाले तो छोटे छोटे हो सकता है एग्जाम में ना, लेकिन ये जरूर आएंगे श्योरिटी से।
यहां मैं ले रहा हूँ इफ सी इज ग्रेटर देन वन, इस बार मैं ग्रेटर देन वन की कंडीशन ले रहा हूँ, तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी हो जानी है आपके पास भाई? सर वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है ना वो हो जानी है हमारे पास एफ सी इक्वल्स टू टू, कितनी हो जानी है सर? टू हो जानी है मेरे पास ये वैल्यू। ठीक है भाई, अब लिमिट फाइंड कर लो इसकी। टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एट सी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन पे लिमिट क्या होगी आपके पास? सर लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको? टू पुट करनी है, तो क्या निकल के आएगा आपके पास? टू ही निकल कर आएगा आंसर में। तो हम ये कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स सर किसके इक्वल आ रहा है? सर एफ सी के इक्वल आ रहा है, और ये टू के इक्वल है। ये अगर आपस में इक्वल है तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन वन पर। अब देखो आपने पांच केस निकाले, किसी पर भी डिसकंटिन्यूटी निकल के आया है कि मुझे बताओ? देखो इस पर भी कंटिन्यू निकल के आ रहा है, इससे पीछे वाला जो किया था अपन ने एट एक्स इक्वल्स टू वन पर भी कंटिन्यूस फंक्शन निकल के आ रहा है, इसके पीछे आपने किया था इंटरवल वाला उस पर भी कंटिन्यूस निकल के आ रहा है, इससे पीछे किया था आपने केस टू एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन इस पर भी कंटिन्यूस निकल कर आ रहा है, और इससे पीछे आपने किया था एट लेस देन इस पर भी फंक्शन निकल के आ रहा है कंटिन्यूस। मतलब सब पे अगर कंटिन्यूस है फंक्शन तो हम यह क्या कह सकते हैं? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, समझ में आया? कोई डिसकंटिन्यू पॉइंट नहीं है यहाँ पे, सारे के सारे कॉन्टिन्यूस निकल कर आ गया आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ? हैंस फंक्शन इज कंटिन्यू एट ऑल पॉइंट। मैं लिखूंगा यहाँ पे दस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, सभी पर जो है आपका फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। बताओ समझ में आया क्या? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीटेड।